दोस्तों स्वागत है आपका प्रोटोक यूट्यूब चैनल में। मैं प्रकाश जुड़ चुका हूं आपके साथ ई कॉमर्स से रिलेटेड एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके साथ ट्रेडमार्क के बारे में बात करने वाला हूं। एक सेलर के लिए जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहा है उसके लिए ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही अगर आप ट्रेडमार्क लेते हो तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं ट्रेडमार्क लेने के लिए, और ट्रेडमार्क जब आप लेते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम न्यू सेलिंग में आते हैं ऑनलाइन सेलिंग में तो हमारे पास प्रोडक्ट्स तो होते हैं बट हम उसे अपने ब्रांड नेम से सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में आ रहे हो और आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उसकी आप सेलिंग करना चाहते हो तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप अपना ब्रांड नेम लगाकर सेल करें या आप जेनरिक कैटेगरी में सेल करें। अगर आप दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो जैसे बजाज के जो इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं या फिर आप सैमसंग ले लिए, यानी जितने भी ब्रांडेड कंपनी अगर उनके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आपको कोई भी ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है, बस ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज कीजिए, उस बिल से आपका काम चल जाएगा। बट अगर आप प्रोडक्ट को बाहर से सोर्स कर रहे हो, आप ऐसे प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो जिस पे किसी ब्रांड का नाम नहीं है या आप खुद ही उस प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, तो आपके पास दो ही चॉइस रह सकती है, या तो आप अपना ट्रेडमार्क लेकर आइए या फिर आप जेनरिक लिस्टिंग में सेल कीजिए। दोस्तों अगर आप जेनरिक लिस्टिंग में सेल करना कोई बुरी बात नहीं है, बट जेनरिक लिस्टिंग में होता ये है कि हम दूसरे सेलर्स हमारी लिस्टिंग में आकर ऐड ऑन हो जाते हैं और हमें ही हमारी लिस्टिंग में ऐड होके हमें ही कंपटीशन देने लगते हैं, और वहाँ पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम जेनरिक ब्रांड नेम से सेल कर रहे हैं जो कोई भी सेल कर सकता है। तो ट्रेडमार्क यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, आपके अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको ट्रेडमार्क के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आप जब ट्रेडमार्क ले लोगे तो उस प्रोडक्ट्स को सिर्फ आप ही सेल कर पाओगे, मतलब उस लिस्टिंग पे सिर्फ आप ही रहोगे, दूसरे जितने भी अगर सेलर आते हैं तो आप उन्हें हटा सकते हो क्योंकि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। तो एक सेलर्स के लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके लिए ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि ट्रेडमार्क लेने के लिए आपको कितने पैसे खर्च कर सकते हैं के खर्च करने पड़ेंगे, तो इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए ट्रेडमार्क लेने से पहले आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ता है, क्योंकि जब आप ट्रेडमार्क अप्लाई करोगे तो आपको डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। अब यहाँ पर क्लास 2 क्लास 3 इस तरह के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ट्रेडमार्क के लिए क्लास 2 सिग्नेचर आप बना सकते हो। अब इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ई मुद्रा है, बहुत से वेबसाइट है, ई मुद्रा ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आपका जो भी डिजिटल साइन है वो मिल जाता है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अब डिजिटल सिग्नेचर बनाने में आपको 1100 से 1200 रुपए तक का खर्च आता है, यानी 1100-1200 रुपए आपके लगने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर बनवाने में। अब डिजिटल सिग्नेचर जब आप बना लेते हो तो इसके बाद बारी आती है ट्रेडमार्क अप्लाई करने की। यहाँ पर जो ट्रेडमार्क होते हैं उसके अलग अलग क्लास हैं, आप अपने क्लास के हिसाब से चूज कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट किस क्लास में आता है। आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए 4500 रुपीज़ लगती है, यानी फर्स्ट तो आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर जिसे हम DSR भी कहते हैं ये बनवाना होता है, इसमें आपको मान लीजिए 1200 में आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आपको 4500 यहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फ़ी देनी होती है जो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है, तो यहाँ पर 4500 और यहाँ पर 1200 अगर हम कैलकुलेट कर ले तो 5700 के आसपास आपका खर्च बैठता है। अब ये प्रोसेस आप फ्रेंड्स खुद से कर रहे हो तो आपका 5700 का खर्च है, बट अगर आप किसी के थ्रू करवा रहे हो या आप किसी एजेंसी के पास जाके जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके पास जाके करवा रहे हो तो उनकी फ़ीस एक्स्ट्रा है। अब वो फ़ीस डिपेंड करती है एरिया के हिसाब से, अलग अलग जो अप्लाई करते हैं उनके हिसाब से, मिनिमम किसी को भी अगर आप अप्लाई करने देते हो तो 1000 का फ़ी होता ही है, तो 1000 से लेकर के 5000 तक ये फ़ीस जाती है, डिपेंड करता है आप किस एरिया से हो
और आप जिन्हें अप्लाई करने के लिए दे रहे हो वो आपसे कितना फ़ी ले रहे हैं। तो अगर मैं 2000 उनका मान के चलूँ अप्लाई फ़ी, अगर आप खुद से कर रहे हो तो 600 के अंदर आप अपना पूरा ट्रेडमार्क कंप्लीट अप्लाई कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत से वीडियो है, अगर इस वीडियो पे 200 से लाइक आते हैं तो मैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो पे लाइक कीजिए, 200 लाइक का एम रखते हैं। जैसे इस वीडियो में 200 लाइक होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको ट्रेडमार्क अप्लाई भी करके बताऊंगा। तो ट्रेडमार्क आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, यूट्यूब में आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर देख के आप अप्लाई करते हो तो आपको 600,000 के अंदर आपका ट्रेडमार्क बन के रेडी हो जाएगा और आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी और के थ्रू बनाते हो तो वो 2000 में मान के चलता हूँ वो फी लेंगे, तो 8000 के अंदर आपका ट्रेडमार्क रेडी हो जाता है जो लाइफ टाइम वैलिड होता है और आप इसे यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ सकते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ट्रेडमार्क बनाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया DSR यानी डिजिटल सिग्नेचर आपको बनाना होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल, फ़ोटो और साइन देना होता है। तो इसे आपके पास आसानी से, आई होप आपके पास होगा, अगर आप ऑनलाइन सेलर है तो ये आपके पास होगा ही। तो डिजिटल सिग्नेचर बनाने के समय ये आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। अब आप जब जाते हो ट्रेडमार्क के लिए तो आपको यहाँ पर भी सिर्फ पैन कार्ड, आपके जो भी ब्रांड है उसका लोगो, साथ ही एड्रेस प्रूफ, ये आपको देना पड़ता है। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, साथ ही जो आपका डिजिटल सिग्नेचर बन के आता है वो डिजिटल सिग्नेचर आपको मैन्युअली अपलोड वगैरह करने का प्रोसेस है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अगर आप एक बार करवा लेते हो तो आप जो बार बार के कॉम्पिटिशन है उससे बच जाते हो, फिर आप अपने बिजनेस पे ध्यान दे सकते हो, अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि फिर आपकी लिस्टिंग में लाइफ टाइम के लिए कोई भी सेलर एड ऑन नहीं होने वाला है। अगर ऐड ऑन होगा तो आप अपने ट्रेडमार्क आपके पास है, आप अमेज़न को अप्लाई कर सकते हो, उस सेलर को वो रिमूव कर देंगे। तो हो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।